माय नेम इज चंद्रा एंड मैं ओरिजिनली फ्रॉम उत्तराखंड, लेकिन इधर लखनऊ में रहते हुए मुझे 20 साल हो गया है. सो अर्ली ऑन माई स्टडीज, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, तो ग्रेजुएशन करते करते मैं जल्दी जॉब में आ गई थी, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय दिस प्रैक्टिकल नॉलेज. मैं बहुत ज़्यादा यू नो स्टडीज में इतनी ठीक नहीं थी. आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, लेकिन मैं हमेशा चाहती थी कि कुछ अलग एक्सप्लोर करूँ, कुछ यू नो. बहुत जल्दी थी मुझे मार्केट प्लेस में काम करने की. तो कॉलेज के टाइम पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी खुद को. सो कहीं ना कहीं मेरे अंदर जो था कि मुझे भी खुद का कुछ करना है. सो 2016 में मैंने मेधा ज्वाइन किया एंड काम करते करते 2018 में मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई. सो दिस अपॉर्चुनिटी इज अ डायरेक्ट सेलिंग. आई एम इनटू अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. सो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग एग्जैक्टली इज, आई एम श्योर लाइक यू हैव हर्ड अबाउट इट. इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली. सो इट्स अ लो इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप, जहाँ पे आपका बहुत बड़ा खर्चा नहीं आता. एक बहुत ही छोटे से कॉस्ट से आप इस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं एंड आई थिंक स्टार्टअप कॉस्ट इज जीरो, बिकॉज जो भी अमाउंट आप लगाते हैं इस बिजनेस में, आपको उसका प्रोडक्ट्स मिल जाता है, द डेली यूजेस प्रोडक्ट्स दैट यू यूज इन योर होम केयर और बेबी पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन केयर. सो इन सारी चीज़ों को लेने से आपका यू नो यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू नो यू स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम. लेकिन आप ऑल ओवर अक्रॉस इसको पैन लेवल पे कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी कर सकते हैं. सो करेंटली आई एम वर्किंग विद इंडियन कंपनी which is working across the location, पूरे pan level पे काम कर रही है. एंड रिसेंटली दे हैव यू नो एक्सपेंडेड टू बांग्लादेश. अब बहुत जल्दी ग्लोबल भी हो रही है कंपनी. सो इट्स गुड. सो चैलेंजेस तो सबसे बड़ा एक जो चैलेंज होता है वो आता है घर से, राइट? ऑल्दो बिकॉज जब आप किसी एक जर्नी पे निकलते हैं, इट्स नॉट अ जॉब. मैं बहुत अच्छे से जान चुकी थी कि मुझे जॉब में एक फिक्स सैलरी मिल रहा है, जो मैं थोड़ा ढीला भी काम करूँ ना तो, लेकिन महीने के एंड में वो मुझे थोड़ा डांट वांट मिलेगी, लेकिन वो सैलरी तो आने वाली है, राइट? कुछ बोला जाएगा, रिव्यूज होंगे, लेकिन फिर मेरे को सैलरी तो मेरा पक्का मिलेगा. लेकिन अभी बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आपका बिजनेस, जब आप काम करते हो, आपकी टीम काम करती है, सो इट्स टोटली अ यू कैन से सेल्स बेस्ड बिजनेस. जितना आपका बिजनेस गया, उसी के हिसाब से जो वॉल्यूम आपका बनता है, उसका आपको इनकम मिलता है. और बिजनेस में जो चैलेंजेस हैं वो तो बहुत सारे हैं, मतलब देर इट बहुत सारे हैं, कम भी नहीं है. बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, ऑल्दो दिस इज अ 70 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री, बट हमारे इंडिया में, वर्ल्ड वाइड, बट हमारे इंडिया में तो अभी इससे कुछ 22-23 साल ही हुए हैं इस इंडस्ट्री को आए हुए. एंड अभी भी द माइंडसेट दैट पीपल हैव इज जॉब ओरिएंटेड, is not business oriented, is not entrepreneurship oriented. Business is nothing. And business का मतलब इंडिया में है कि you know, एक बहुत बड़ा अमाउंट जब तक हमारी जेब से नहीं लगेगा, या जब तक बहुत बड़ा हमारे पास कैपिटल नहीं होगा, तो वी कांट स्टार्ट बिजनेस. एंड बहुत टाइम लगता है लोगों को यू नो इसको बिजनेस को, इस बिजनेस को बिजनेस समझने के लिए. अदरवाइज इवन यू कैन से 50% पीपल, दोज हु आर इन नेटवर्क मार्केटिंग ऑल्सो, दे डोंट थिंक दैट इट इज देयर ओन बिजनेस. कहीं ना कहीं कोविड ने बहुत बड़ा काम किया है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के लिए, बिकॉज देर वर लाइक यू नो करोड्स और बिलियंस ऑफ जॉब्स हैव बीन, पीपल हैव बीन लेड ऑफ. एंड देन यू नो अर्लियर दोज हु वर मेकिंग फन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अरे ये तो जोड़ने वाला काम है, लोगों को मेंबर बनाने वाला काम है, दीज वर द टर्म्स दैट पीपल यूज टू से. नाउ दोज पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ नेटवर्क, राइट? नो मोर ऑफ द पीपल आर लुकिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम एंड नाउ पीपल आर यू नो being you can say, अब वो इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में अब कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि ये इंडस्ट्री, नो दिस इज समथिंग. अगर लॉजिकली देखा जाए तो अब वो जो पुरानी सोच थी लोगों की, अब वो चीज हट रही है. एंड शुरुआत से मेरा जो फोकस रहा है, इट्स बेसिकली मेजरली ऑन विमेन एंटरप्रेन्योर. आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर देम, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने घर पे देखती थी, माय मम्मा इज सो टैलेंटेड. लाइक उन्होंने कभी शायद वो स्कूल नहीं गई है, सिक्स के बाद शायद उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन द जील दैट शी हैज, द
आई मीन काम करने का एक जो एक इंस्पिरेशन, किसी भी काम को शुरू करना और उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको खत्म कर लेना, बहुत सारी चीजें शायद पेरेंट्स से हमें आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी मम्मी को ये सारे मौके मिले होते या उनको किसी ने सपोर्ट किया होता, तुम करो मैं हूँ पीछे, या कुछ ऐसी चीजें मिली होती, तो शायद आज उनका बहुत बड़ा नाम होता। सो द रीजन दैट आई हैव बिहाइंड दिस बिजनेस इज आई रियली वांट टू एम्पावर वुमेन नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस लाइक ग्लोबली, बिकॉज दिस बिजनेस इज गोइंग ग्लोबल। सो आई हैव माय टीम एंड आई हैव लॉट ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर विद माय सेल्फ एंड आई डोंट नो बट इट ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग लाइक ऑलरेडी स्टार्टेड लाइक the women from different geographies, the women from different field, like the professionals and then the students, the housewives and like a lot of people, a lot of women from different fields have already started joining this journey with me. So I see a bigger picture that I'm supporting lot of people. I can't say numbers, but in 2 years I have a team of majorly, if I see 700 plus people in my team across, not only in Lucknow but across India. So and the journey is just it's growing like every day.